प्रवचन और आज की ये सांझ और होली के ये दिन और मन में उठती हुई हिलो एक उमंग अध्याय के सामने सिर नहीं झुकाया, चाहे मेरी माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे समाज हो, चाहे कुटुंब हो। शुरू से ही ऐसी प्रवृत्ति रही, चाहे स्कूल में पढ़ा तब भी और चाहे कॉलेज में प्रोफेसर बना तब भी। उसमें भी आपको शायद मालूम नहीं, स्कूल से मैं 6 बार एस्टिकेशन हुआ, 6 बार स्कूल से निकाल दिया गया मुझे, एक बार नहीं। जब भी स्कूल में वापस एडमिशन लेता तो फिर कोई ना कोई खुराफात माइंड में आती तो हेडमास्टर के पास में शिकायत जाती कि तुम गेट आउट, क्योंकि दरवाजे के बाहर खड़ा होना है कि स्कूल के बाहर खड़ा होना, गेट आउट तो दरवाजा है। तो अगर तुम बहुत उबड़ खाबड़ आदमी हो, जो कुछ हूँ मैं हूँ। तो शुरू से ही जब पहले बार पाकिस्तान तो बाद में बना, मुझे पढ़ने के लिए स्कूल में एक भवानी करके एक उर्दू के मास्टर थे, उस समय मैं पाकिस्तान में था, पाकिस्तान बना बाद में मगर सिंध की जगह। वो क्या करते कि कोई दिन लड़का नहीं आता तो उसके पैर में जंजीर डाल के बिठा देते खूंटे से बांध कर। भाई जंजीर बांध में क्या मजा आता है वो देख तो नहीं तुम भी, अब कोई लय नहीं, को दे नहीं, एक गए ही नहीं घर से निकले तो भवानी वो क्रोध ही बहुत था। उस दिन उसने मैं गया, मदरसा था और अलीफ बे पे ते टे से जीम छे थे उर्दू पढ़ा रहे थे, और उसमें लकड़ी की पट्टियां होती थी मेट उस पर लगा करके, फिर कोयला घिस करके स्याही बना करके फिर उससे अलीफ बे पढ़ते थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने ये उर्दू, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे उर्दू सीखनी नहीं, मेरे माइंड में जमेगी नहीं तुम्हारी उर्दू। तो बहुत गुस्से हुए, उन्होंने मेरा कान पकड़ा, उन्होंने मेरा कान पकड़ा, मेरे हाथ में लकड़ी की पट्टी थी उनके नाक में मारी और जिंदगी के साथ घर आ गए। बस वो बेचारे बाकी लड़कों ने कहा तुमने अच्छा किया, तुम उसमें 4 महीने आए नहीं, वो अस्पताल में पट्टी बांधते हुए रहे, ये मेरा अक्षम्य अपराध होगा, मैं मानता नहीं। मगर मुझे कुछ सूझा ही नहीं उसमें, मुझे कहा था सारा ये क्या है, मतलब ब्राह्मण हूँ और ये अलीफ बे पढ़ करके मेरी जिंदगी में क्या होगा, कैसे होगा, क्या स्थिति बनेगी। स्कूल में जब मैं इतिहास पढ़ रहा था, इतिहास लिया, तो उन्होंने कहा कि बाबर आए, फिर चंगेज खान आया, फिर हुमायूं आया, और उन्होंने वो सारा इतिहास पढ़ना शुरू किया। पढ़ा बाबर आया, किस प्रकार से बाबर ने यह राज्य स्थापन किया, फिर हुमायूं कैसे बना, फिर अकबर महान क्यों कहलाया, फिर शाहजहां ने क्या किया, फिर ताजमहल कैसे बना, ये सारी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा तुम इतिहास पढ़ा रहे हो हमारे साथ, मगर इसके अलावा भी भारत में और कोई पैदा हुए, बस ये चंगेज खान और बाबरी पैदा हुए, शंकराचार्य पैदा नहीं हुए क्या यहाँ, और कोई ऐसे देवर्षि वशिष्ठ पैदा नहीं हुए, विश्वामित्र पैदा नहीं हुए, गर्गत्री कणाद पैदा नहीं हुए, कृष्ण पैदा हुए नहीं, बस ये मुसलमान पैदा हुए, और क्या अत्याचार ही इस देश में रहा, क्या ज्ञान की गंगा प्रवाहित हुई नहीं। और उस समय तो इतनी बात कहना ही अपने आप में बहुत भीषण अपराध। वो गए एडमास्टर के पास देखकर के, मैं स्कूल में इतिहास नहीं पढ़ाऊंगा, ये लड़का बहुत खुराफाती है। एडमास्टर ने बोला क्या करते हो तुम, मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं मतलब बताया कि इसके अलावा इस इतिहास में ये चीज़ें भी पढ़ानी चाहिए जो इनको ज्ञान है ही नहीं। शंकराचार्य के बारे में इनको कितना ज्ञान है, वशिष्ठ के विश्वामित्र के बारे में इनको क्या ज्ञान है, जब वो ज्ञान नहीं है तो फिर ये ज्ञान जबरदस्ती मेरे माइंड में क्यों ठूंसा जा रहा है। बाबर आए होंगे, अत्याचारी होंगे, हमारे पूर्वज कमजोर होंगे, उन्होंने अत्याचार सहन किया होगा, हम अत्याचार क्यों सहन करेंगे, क्या तुम स्कूल से चले जाओ। मैं चले जाओ, स्कूल चले गए, फिर पिताजी आए, खाल तुम स्कूल पढ़ा कर, तू नहीं पढ़ेगा तो करेगा क्या, जिंदगी कैसे तेरी बीतेगी। मैं जिंदगी जैसे बीतेगी जैसे बीत जाएगी, उसमें जिंदगी में क्या है, बितानी है जिंदगी। उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो शादी कर दी, उनका कि अब इसकी शादी कर दो, नहीं शादी कर दो ये सारा उलझ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसको तुरंत शादी करो। माँ गौर दूब करके, जब मैं 12 साल का जवान पट्टा हो गया, थोड़ा उठ नहीं पा रहा था, तब मेरी शादी कर दी। अब मैं समझू नहीं पत्नी का मतलब क्या होता है, 12 साल का बच्चा क्या समझे, और पिताजी निश्चिंत, अब कहीं भागेगा नहीं, कोई गड़बड़ होगा नहीं, बस अब ठीक ठाक। अब तो शादी के बाद में साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, न तो पत्नी आई, मैं 6 साल गया, क्योंकि उसमें पत्नी 2-3 साल बाद आती थी,
मैंने कहा नहीं आयत नहीं आई मुझे, मतलब उसको लेन देन नहीं। मैंने पिताजी को पूछा भाई शादी मेरी किससे की है, घूंघट वाली से की है मगर कैसी है, काली है, पीली है, लाल है, हरी है, कुछ आप मुझे दिखाइए, कुछ पता तो पड़े। उन्होंने कहा कि तुम बेशर्म हो गए हो, तुम्हें मतलब क्या देखना है, देखना नहीं है। तो मैं समझ तो लूँ भाई किसके साथ हुआ है, क्या हुआ है, क्या है, पता ही नहीं पड़ रहा। खैर फिर पत्नी घर आई उसके 4 महीने बाद, मैंने कहा कि ऐसा जीवन कटेगा नहीं और संन्यास लेना मुझे, एक दृढ़ निश्चय। उस समय भी मैं रात भर कहीं बाहर पड़ा रहता, घर में रहता ही नहीं, कभी घर आता तो 5-7 दिन घर में ही रहता, कभी कुछ ऐसा ही जीवन, एक अपने आप का जीवन रहा। जबरदस्ती अगर मेरे ऊपर कोई बात थोपी गई तो मैं आज भी सह नहीं कर सकता, एकदम आग लग जाती है, मगर अब एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। उस समय एडजस्टमेंट होता ही नहीं था, आज भी नहीं होता है। जैसे से अगर कहे तो मैं नहीं सहन कर सकता, कोई विद्वान मेरे सामने आके खड़ा हो तो मैं आग हो जाती है, मैं सहन नहीं कर पाता। कोई झलकार दे मुझे, चुनौती दे तो मैं खत्म हो जाए, मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, मगर इस प्रकार से सिर झुका के नहीं चल सकता। मैंने कहा कि अब मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा और मैं संन्यास लूंगा, मैं देखना चाहता हूँ फक्कड़पन क्या होता है, अंदाज क्या होता है, वो चीज क्या होती है। अब शादी को 6-8 महीने हुए होंगे, माँ ने समझाया, मैं माँ की बहुत इज्जत करता था, पिताजी बहुत क्रोधी थे, उनको भी समझाया। मैंने कहा कि सैकड़ों हमारे पूर्व सन्यासी बने, ऐसा सन्यासी बनने का मतलब ये नहीं मैं घर बार छोड़ के बीच में आऊंगा, मगर मैं उस जीवन को देखना चाहता हूँ, उस हिमालय को देखना चाहता हूँ, मेरे भारतवर्ष क्या है, क्या विद्या है, क्या नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्या ब्राह्मण मेरे कर्तव्य हैं, क्या विश्वामित्र थे, ये जो सब कुछ लिखा हुआ है क्या सत्य है, प्रमाणित है, क्या झूठ है, छल है। मगर मेरी बातें उनके गले उतर नहीं रही थी, वो कह रहे तुम बस शादी ब्याह कराओ, दक्षिणा मिल जाए, 5 रुपये 2 रुपये लाइए और जीवन इस ढंग से बीतना चाहिए, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का मतलब यही है। वो मुझे अपने ढंग से शिक्षा देते, मैं उनकी शिक्षा मेरे गले उतरती नहीं। और एक दिन 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन हो गए तो मैं तुम्हें खाना खाया और बैठा रहा, तुमने कहा कि क्या विचार है, मैंने कहा मैं नहीं रहूँगा, मैं संन्यास लूँगा, चला जाऊँगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप आज्ञा दें तो ठीक, नहीं दें तो ठीक, और मैं चला जाऊँगा। वही दिन भोर में 3 बजे चला गया, न घर वालों को बताया कहाँ जाऊंगा, न मुझे मालूम कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे जीवन का एक बहाव था। और 3 साल जब घर नहीं आया तो उस समय जंगल बहुत थे, हिंसक पशु बहुत थे, पिताजी ने समझा कि अब मतलब वो जिंदा रहा ही नहीं होगा, आस पास मालूम करवाया होगा, तो कुछ मिला नहीं, कुछ चिन्ह नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि आखिर कोई पुत्र अगर मृत्यु को प्राप्त हो गया तो श्राद्ध कर देना चाहिए, तो मेरा जीवित श्राद्ध हो गया कि भाई साथ तो करें, उसको पानी तो मिले, कहीं मर गया होगा तो साथ तो मिले। मुझे भी घर वालों को कोई पता नहीं था, पत्नी क्या है कहाँ है, और ऐसा नहीं कि मैंने कोई कर्तव्य का उल्लंघन किया, मेरे जीवन की एक इच्छा थी, जीवन का एक क्षण था, देखना चाहता था। और आज मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैंने जो कुछ कदम उठाए थे वे सही उठाए थे, एक ताकत के साथ उठाए थे, क्षमता के साथ उठाए थे, उस जीवन को भरपूर जिया और इस ग्रस्त जीवन को भी भरपूर जिया, मतलब उसमें न न्यूनता उसमें रखी, जो भी चुनौतियां आई उसको झेला। और वो समय आज से बहुत ज्यादा कठिन था, बैद्यनाथ का रास्ता बिल्कुल पूरा हरिद्वार से पैदल जाता था, तो बसें जाते हैं, पूरा सांपों से और जहरीले जानवरों से भरा हुआ था, बहाव नदियों के इतना तेज था कि पार नहीं हो पाता था, मगर फिर भी मन में जोश उफान कुछ ऐसा था कि मैं घंटे 2 घंटे बाद रह नहीं पाता था और नदी में कूद पड़ता था, विपरीत धारा में किलोमीटर 2 किलोमीटर मीट भर बहता रहता था, चलता रहता था, पानी बहाव तेज इधर उधर में उधर बहता, मन में इतना तूफान था, इतना वेग था, इतना जोश था।
और कृष्ण भी इसलिए योगेश्वर कहलाए कि उन्होंने अपने जीवन में चुनौतियां सही, जो कुछ भी असंभव है उनको संभव करने की कोशिश की, दब करके नहीं, छुप करके नहीं, कहीं पर भी आंख में गंदगी ला करके नहीं, जो कुछ किया आप बोलिए नहीं, और बोले थोड़े जोर से बोलिए, मैं सुनूं। और आपको मैं अब प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं कि देवी भागवत से, भागवत में पूरा भागवत कृष्ण के प्रेममय जीवन पर आधारित ग्रंथ है, और उसमें श्लोक है वशवानु सुतायाम चे द्विपरा विपदा विति नक्षत्रे भ्यो वदाम देवी कुरूपम व्याधि व्यानसम। उनका वृषभानु की एक लड़की पैदा हुई, राधा के पिता का नाम वृषभानु था, और वर्षा निकल रहने वाले थे, और श्लोक में बताया है कि वह अत्यंत कुरूप थी, काली थी, सुंदर नहीं थी, और चेहरा जब नारी का बच्ची का चेहरा होना चाहिए वैसा था ही नहीं, आंखें बहुत छोटी सी थी और सभी दृष्टियों से कुरूप सी थी। वृषभानु ने बड़ा पश्चाताप किया कि ये लड़की जिंदा रह करेगी भी क्या, इससे अच्छा है मजा है, क्योंकि इसकी शादी कहीं नहीं होगी, सौंदर्य है ही नहीं इसमें, काली रंग अलग, सिर के बाल नहीं, आंखें बहुत छोटी, बहंगी सी छोटी छोटी आंखें, हाथ छोटे से, पूरे रोम आत्मे। और वृषभानु ज्योतिषी के पास गए, ज्योतिषी ने कहा कि तुम जो चिंतन कर रहे हो गलत है, समय आएगा कि तुम इस लड़की पर अपने आप में गर्व महसूस करोगे। मगर वो वृषभानु के दिमाग में बात जम नहीं पा रही थी। समय बीता और कई वर्षों के, कई जन्मों के जो संबंध थे अगर राधा और कृष्ण के, तो कृष्ण ने कहा कि अगर कोई प्रिय है तो राधा है, इसलिए है कि अगर राधा को विपरीत करें तो धारा बनेगी, और धारा उसको कहते हैं जो बहता रहता है, स्थिर नहीं, तालाब नहीं है, गंदगी नहीं है उसमें, मैलापन नहीं है, और मैं इसको अपने मेरे में ज्ञान है, तो इस ज्ञान से मैं इसको अद्वितीय सुंदरी बना दूंगा। और वह भागवत इस बात का साक्षी है कि कृष्ण ने अपने तेजस्विता के पुंज से, मंत्रों के पुंज से, उस धारा को जिसका नाम बचपन में धारा रखा गया था, उसको धारा को विपरीत करके राधा नाम रख दिया गया, कृष्ण ने राधा नाम रखा जिनका नाम राधा नहीं था, उसको बिल्कुल विपरीत लिया और अत्यंत सौंदर्यमयी उसको बनाया। वो बात मेरे माइंड में बराबर घूमती रही, जब भी मैं गया मैंने कहा कि क्या ये विद्या हमारे पास थी क्या, और थी तो फिर कहां चली गई, क्या ऐसा था कृष्ण के पास में, सांदीप ने उसको क्या ज्ञान दिया था, क्या चेतना दी थी कि बिल्कुल एक शरीर को ही परिवर्तित कर दिया, क्या हुआ ऐसा। सुबह भी मैंने प्रवचन में यह कहा था कि अगर पुरुष में नारी चित नहीं आती तो पुरुष पुरुष बन ही नहीं सकता, अगर नारी में पुरुष के गुण नहीं आते तो नारी अपने आप में पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकती, दोनों का सम्मिलन स्वरूप ही अपने आप में पूर्ण सौंदर्य है, और अगर सौंदर्य नहीं है तो कोई जीवन नहीं है। हम बहुत अच्छा मकान बना देते हैं, वो निर्जीव होता है, तो गुलाब के फूल खिलाते हैं, गमले में खिलाते हैं, गमले में गुलाब के फूल लगाते हैं, वेणी में गुलाब लगाते हैं, इसलिए कि वह एक मुस्कुराता हुआ एक सौंदर्य है। हमारे पास सौंदर्य नहीं है, इसलिए इस गुलाब के माध्यम से सौंदर्य व्यक्तिकरण कर रहे हैं, इसलिए जूही का पीछे एक जूड़े में फूल खोजते हैं, लगाते हैं, इसलिए काजल लगाते हैं, इसलिए बिंदी लगाते हैं, क्योंकि हमें एहसास है कि हम सुंदर नहीं है, इसलिए पुरुष भी कपड़े पहनता है, फिर सीने की ओर देखता है ठीक हूँ, फिर एकदम से थोड़ा सा बालों को संवारता है, फिर एकदम यूं करता है, फिर बाहर निकलता है, वो मानता है कि मैं सौंदर्यवाद हूं नहीं, सौंदर्य के लिए उपकरणों की जरूरत नहीं। और समय बीता और मैं बद्रीनाथ के पास में, बद्रीनाथ से 5-7 किलोमीटर आगे अगर आप कभी गए हो तो माना गांव है, और वहां माना गांव के बिल्कुल पड़ोस में गंधर्व पहाड़ है। गंधर्व कहते हैं संगीतज्ञों को, जो देवताओं का संगीत सुनाते थे देवताओं को, जिसके गले में गंधर्व, जिसके गले में राग,
एक आवाज, एक कशिश ऐसा कि सामने वाला इग्नोर कर ले। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।